क्या आपको फिल्म करण अर्जुन की वो लड़की याद है जिसने छत पर सोया पहनोई वाले गाने पर कुछ ऐसा डांस किया कि आज भी गाने को देखने वाला भीतर तक हिल जाता है। कहीं आप गूगल पर गाना सर्च तो नहीं करने लग गए? कोई बात नहीं, देखिए और डांस के मजे लीजिए। क्या आपको इस बेहतरीन डांस को परफॉर्म करने वाली हीरोइन का नाम मालूम है? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका नाम है ममता कुलकर्णी, जो आज अपने आप को एक सन्यासी के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी हॉट, सेक्सी और ग्लैमरस एक्ट्रेस आज अपने आप को सन्यासी के तौर पर क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि उसके भीतर तो बॉलीवुड में लंबी पारी खेलने का कैलिबर था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हीरोइन से बॉलीवुड की आर्टिस्टिक पिच पर एक्टिंग की लंबी पारी खेलने की उम्मीद थी, अब वो पवेलियन में नजर भी नहीं आ रही, बल्कि वो तो मंदिर में बैठकर तालियां बजाने का दावा करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। आज हम बात करेंगे इस हीरोइन की कि ये रन आउट कैसे हुई, क्लीन बोर्ड कैसे हुई, किसी ने इसे कैच किया या फिर क्या हुआ, या फिर ये अपनी हरकतों से रिटायर्ड हर्ट हो गई। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ममता कुलकर्णी के मन में बचपन से एक एक्ट्रेस बनने का कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को लेकर उनकी माँ काफी एम्बिशियस थी। उन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स अपनी बेटी को लेकर सजा कर रखे थे। वो अपने भी ड्रीम्स इसी के जरिए पूरा करना चाहती थी। फिल्मों में आने के लिए ममता को अपनी फैमिली से सपोर्ट और इंस्पिरेशन दोनों मिला। इसके अलावा ममता कुलकर्णी खुद एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस मटीरियल भी थी। यंग, बोल्ड, सेक्सी होने के साथ साथ अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग भी। अपनी माँ की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाए और उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्हें कई सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने साउथ के फिल्मों के लिए भी ऑडिशन दिया और उन्हें एक तमिल फिल्म नन बरगल में काम मिल गया। ये फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई और एक सक्सेसफुल फिल्म रही। इस फिल्म के जरिए ममता कुलकर्णी की साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन पहचान बनी। यंगस्टर्स में ममता कुलकर्णी का क्रेज कुछ इस तरह से फैल गया कि लोग उनके नाम का टैटू अपने शरीर पर बनवाने लगे। इसके बाद ममता कुलकर्णी के बॉलीवुड में जाने का रास्ता और भी आसान हो गया। साल 1992 में उन्हें फिल्म तिरंगा में काम मिला और लोगों ने उन्हें इस फिल्म में नोटिस भी किया। उनकी दूसरी हिंदी फिल्म और करियर की तीसरी फिल्म थी आशिक आवारा, जो कि सैफ अली खान के साथ थी। इस फिल्म के लिए उन्हें लक्स या न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सब कुछ दोस्तों ठीक चल रहा था। करियर में सक्सेस, पॉपुलैरिटी, काम और पैसा सब कुछ था। लेकिन साल 1993 में फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट के कवर पेज पर जब ममता कुलकर्णी की टॉपलेस तस्वीरें सामने आई तो उन्हें जाने वाले हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी ममता कुलकर्णी की इस तरीके की तस्वीरें सामने आने की उम्मीद नहीं थी। ममता कुलकर्णी ने मैगजीन के लिए जो टॉपलेस फोटो शूट कराया था, उनके इस काम के चलते उनके खिलाफ अदालत में केस भी चला, जिसके लिए उन्हें फाइन भी भरना पड़ा और वो फाइन उस समय लगभग 15,000 रुपए का था। ममता कुलकर्णी की लाइफ में उनके इस फोटोशूट ने भूचाल ला दिया। इससे जहां एक और वो लोगों की नजरों में आई, वहीं दूसरी तरफ इन्हें लोगों का जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। लेकिन इस फोटोशूट से उनके फिल्मी करियर पर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लीड एक्ट्रेस वाले रोल मिले और उन्होंने अच्छी फिल्मों में काम किया। उनके इन फिल्मों में क्रांतिवीर, बाजी, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। साल 1996 में राजकुमार संतोषी सनी देओल को लेकर घातक बना रहे थे। अपनी फिल्म घातक में उन्होंने ममता कुलकर्णी को एक छोटी सी डांस परफॉर्मेंस का कैमियो करने के लिए दिया। इसके बाद साल 1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में भी उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला। उन्होंने वो काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद उस फिल्म में इन्हें नोटिस नहीं किया गया, बल्कि इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने केवल एक गाने में अपनी डांस परफॉर्मेंस देकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। इसी दौरान ममता कुलकर्णी के राजकुमार संतोषी से संबंध बिगड़ने लगे। दरअसल फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान ही राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के संबंध इतने खराब हो गए कि राजकुमार संतोषी ने उन्हें चाइना गेट फिल्म से ही हटा दिया। कहते हैं कि इसके बाद उस समय दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे छोटा राजन ने इस मामले में इंटरफेयर किया और इसकी बदौलत ममता कुलकर्णी को दोबारा चाइना गेट में लिया गया। लेकिन इससे ममता कुलकर्णी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हीरोइन होने के बावजूद उन्हें पॉपुलैरिटी के मामले में उर्मिला मातोंडकर से पीछे रहना पड़ा। इसकी वजह से ममता कुलकर्णी और उर्मिला मातोंडकर के बीच जो डिफरेंस और टेंशन क्रिएट हुई, उसने बॉलीवुड में इस बात को स्प्रेड कर दिया कि ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड की दूसरी हीरोइन से इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आने लगी है। फिल्म रिलीज होने के बाद ममता कुलकर्णी ने प्रेस में राजकुमार संतोषी को लेकर जो बातें कही, उसने भी
इनके खिलाफ एक नेगेटिविटी का एटमॉस्फियर क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी ने जानबूझकर फिल्म में उनके सीन पर कट लगाए हैं, लेकिन राजकुमार संतोषी ने ममता के लगाए हुए तमाम आरोपों को झुठला दिया और सिचुएशन को इतनी चतुराई से हैंडल किया कि ममता कुलकर्णी को अब आगे काम मिलने के रास्ते ही बंद हो गए। हालांकि इसके बाद भी ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन उन्हें दोबारा वो सफलता नहीं मिली जिसका स्वाद वो चख चुकी थी। आगे चलकर उन्होंने बंगाली और मलयालम फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2001 में उनकी एक आखिरी सफल हिंदी फिल्म छुपा रुस्तम आई। इसके बाद साल 2002 उनकी एक और हिंदी फिल्म आई, कभी तुम कभी हम, लेकिन ये सफल नहीं रही। इसके बाद ममता कुलकर्णी मेन स्ट्रीम सिनेमा से गायब ही हो गई। आगे चलकर ये फैक्ट सामने आया कि 1990 के दशक की वो हीरोइन जिन्हें आजकल काम कम मिलता है, वो दुबई में शो करने लगती है और ममता कुलकर्णी भी ऐसी ही हीरोइनों में से एक थी। ममता कुलकर्णी डांस प्रोग्राम के लिए दुबई आती जाती रहती थी और इसी दौरान उनके कॉन्टेक्ट में विक्की गोस्वामी आए। बताया जाता है कि इनका दुबई में एक होटल था और दिखाने के लिए होटल के व्यवसाय में थे, लेकिन असल में वो नशे का व्यापार करते थे। ममता और विक्की की नजदीकियां बढ़ी और कहते हैं कि आगे चलकर ममता विक्की के साथ दुबई में रहने लगी, लेकिन ममता कुलकर्णी के दुबई जाकर रहने के थोड़े समय बाद ही विक्की गोस्वामी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन तब तक वो ममता को अपने धंधे की बारीकियां सिखा गया और विक्की के बाद उसके काम को ममता ने संभाला। दुबई के कानून के मुताबिक विक्की गोस्वामी को डेथ पेनल्टी सुनाई गई, लेकिन ममता कुलकर्णी ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और विक्की गोस्वामी की डेथ पेनल्टी को कैंसिल कराया और उन्हें जमानत पर बाहर निकाला। विक्की गोस्वामी 8 साल करीब जेल में रहे और अच्छे बिहेवियर के कारण ही उन्हें दोबारा बाहर की दुनिया में देखने का मौका मिला। साल 2013 में इस बात की खबर आई कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। आगे चलकर मुंबई पुलिस ने 2016 में ड्रग्स के धंधे में विक्की गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया। कोर्ट के समक्ष इन विटनेसेस ने या आरोपियों ने ऐसा बताया है कि ममता कुलकर्णी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, जो मीटिंग्स हुई केन्या में। आरोप के मुताबिक इन लोगों को केन्या के किसी ड्रग माफिया के साथ मीटिंग करते देखा गया और मुंबई के थाने में चल रहे 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में ये शामिल पाए गए। इस मामले में विक्की गोस्वामी को जहां एक तरफ गिरफ्तार किया गया, वहीं ममता को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडेड घोषित किया गया। उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया गया। ममता के बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए और उनके दोनों ही घर सील कर दिए गए। बॉलीवुड में लास्ट टाइम कैमरा फेस करने के लिए लगभग 16 साल बाद ममता कुलकर्णी ने केन्या से अपना एक इंटरव्यू जारी किया। इस इंटरव्यू में वो एक साध्वी की तरह नजर आई। उन्होंने कहा कि वो 16 साल तक तपस्या करती रही, इसके बाद उन्हें माँ की शांति मिली। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे भी मन को शांति मिले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी एक किताब भी सामने रखी जिसमें उन्होंने ममता कुलकर्णी एक योगिनी के बारे में भी बताया। उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झुठला दिया, यहाँ तक कि शादी की बात से भी इनकार किया। फिलहाल ममता कुलकर्णी केन्या में रहती है। आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी साध्वी होने की आड़ में अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है या फिर सचमुच उनका हृदय परिवर्तन हो गया? इस सवाल का जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।